हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल पैशनेट एट टेक। द वंडर कॉल्ड स्लिप की डिटेल वीडियो देने के बाद मैं इसकी एमसीक्यू आपको देने जा रही हूँ और आई होप कि आपको एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे। इसके बाद इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहले एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद इसके डिटेल क्वेश्चंस और एमसीक्यू। आप फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर, इट्स मीन्स स्लीप को आश्चर्य क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए वी रिकवर फ्रॉम टायर्डनेस, हम थकान से उबर जाते हैं। वी बिकम फ्री फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, हम उससे फ्री हो जाते हैं। वी कैन रेस्ट प्रॉपरली, हम आराम अच्छी तरह से कर लेते हैं। वी रिकवर फ्रॉम इलनेस, या फिर हम बीमारी से उबर जाते हैं। इसका आपको वेस्ट आंसर देना है, जो है यस आंसर इज, जल्दी से बताइए। यस इट्स आंसर इज यस ऑप्शन ए वी रिकवर फ्रॉम टायर्डनेस, यानी हम थकान से उबर जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम्स कैन बी प्रोवाइडेड, यानी कुछ समस्याओं का समाधान हमें दिया जा सकता है। किससे दिया जा सकता है? थ्रू ड्राइविंग, ड्राइविंग के द्वारा, थ्रू वाइल्ड हर्ब्स के द्वारा, थ्रू ड्रीम्स के द्वारा, या थ्रू ब्रेदर, या फिर मौसम के द्वारा, बताइए। आपने चैप्टर को अगर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। एंड इट्स आंसर इज यस ऑप्शन सी थ्रू ड्रीम्स यानी ड्रीम के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी स्लीप्स, यानी सोते समय हमारे बॉडी में क्या होता है। ऑप्शन ए मसल्स रिलैक्स, यानी मसल्स को आराम मिलता है। ब्लड प्रेशर गोज डाउन, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हार्ट बीट बिकम स्लोलर, या फिर हार्ट बीट कम हो जाती हैं, या फिर ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दिस। बेस्ट आंसर चूज करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यस आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड इट्स आंसर इज नो डाउट ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दीज। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाइल वी आर स्लीपिंग हाउ मैनी थिंग्स हैपन्स, जब हम सोते हैं तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। सेवरल बहुत सारी, वन एक थ्री तीन फोर चार, बताइए गिनिए और बताइए क्या क्या होता है, जल्दी बताइए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या बहुत सारी, जल्दी से गिन के बताइए कितनी होती हैं, उसका सही आंसर भी दीजिए। एंड इट्स आंसर इज यस सेवरल, बहुत सारी, अनगिनत। ओके, मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, ड्रीम कैन नॉट टेल द डैश, ड्रीम हमें क्या नहीं बताते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट या फिर नथिंग, क्या नहीं बताते हैं, इसका सही आंसर दीजिए। और इसका जो सही आंसर देना है वो आपको बुक के अकॉर्डिंग देना है। बेस्ट आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जो इसे चूज करना है इसके आंसर को, वो बुक के अकॉर्डिंग करना है। और बुक के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है, जल्दी बताइए। आई एम वेटिंग, यस डैट इज फ्यूचर। वैसे तो ड्रीम्स कुछ नहीं बताते, पास्ट भी नहीं बताते, प्रेजेंट भी नहीं बताते, परंतु हमें बुक के अकॉर्डिंग देखना है और बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो फ्यूचर को नहीं बताते। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, वी स्लीप सो डैट, हम सोते हैं ताकि, वी लेट डिसिप्लिन लीव्स, द लॉ ऑफ नेचर रूल्स, द बॉडी एंड ब्रेन मे रेस्ट, वी गेन वेट, यानी हम क्यों रोते हैं, कि हम एक पूर्व नियोजित ढंग से अपनी लाइफ जी सकें, हम लॉ ऑफ नेचर को मान सकें, हम अपनी बॉडी और ब्रेन को रेस्ट कर सकें, या फिर हम अपना वेट पा सकें, यानी हम तंदुरुस्त हो सकें, तो बताइए। देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप, सारे क्वेश्चन ही ठीक है, परंतु हमें वही बुक के अकॉर्डिंग राइट आंसर देना है।
राइट आंसर है द बॉडी एंड ब्रेन में रेस्ट, यानी हमारी बॉडी और हमारे दिमाग को आराम मिल सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन कैन आर ड्रीम हेल्प अस, आर ड्रीम हमारी किस चीज़ में मदद करता है, टू स्लीप, थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, यानी अदर डिस्टर्बेंस और शोर में जग सोने से, या फिर टू अवेक थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, या फिर अदर डिस्टर्बेंस और नॉइज में जगने से, ऑप्शन 3 बोथ या नन ऑफ दीज। बताइए, जिस बच्चे ने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जिसने डिटेल वीडियो देखी होगी, वो इसका सही आंसर देगा। और इसका सही आंसर है यस ऑप्शन ए, टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस। आंसर देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन विल आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग्यू, यानी हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन किस तरह से थकान से आराम पा सकता है। ऑप्शन ए, आफ्टर ए गुड स्लीप, अच्छी नींद के बाद, आफ्टर ए बैड स्लीप, बुरी नींद के बाद, बिफोर ए गुड स्लीप यानी अच्छी नींद से पहले, या फिर ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, या फिर कुछ भी नहीं। बताइए, बेस्ट आंसर चूज़ करना है, और इसमें तो बेस्ट आंसर चूज़ करने वाली बात ही नहीं है, आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आंसर इज आफ्टर ए गुड स्लीप, ऑप्शन ए। देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी स्लीप, यानी हमारे बॉडी में कौन सी वो सारी चीज़ें होती हैं जब हम सोते हैं। मसल्स रिलैक्स, मसल्स को आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर गोज डाउन, टेम्परेचर नीचे जाता है, हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, या फिर ऑल ऑफ दीज। आई थिंक ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगर रिपीट हो भी रहा है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसका आंसर दीजिए यस एंड इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी ये सारी काम हमारे साथ होते हैं जब हम सोते हैं। नाउ स्लीप इज कॉल्ड अ वंडर एज, यानी स्लीप को वंडर कहा जाता है, आश्चर्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वी नो इट्स सीक्रेट्स, हम इसके रहस्य जानते हैं। इट इज़ ए कॉमन एक्सपीरियंस, यह एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो सबके साथ है। इट कैन नॉट ओवर पावर आवर कॉन्शियस स्टेट, यह हमारे चेतन मन पर पावर पा नहीं सकता। इट ओवर पावर अस, यह हमारे ऊपर पावर दिखा सकती है। बताइए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के ऑप्शन हैं ये, सही आंसर दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, सोचिए और लिखिए। लाइव चैट और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या है। जो भी बच्चे लाइव चैट देखते हैं उस समय लाइव चैट में रिप्लाई करा करें, और जो बाद में देखते हैं, जो लाइव टाइम पे नहीं देख पाते, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा करें। और साथ ही साथ अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सेक्शन, अपने स्कूल का नाम भी लिखें, जिससे पता चले कि मेरी ये वीडियो कितने बच्चों को हेल्प पहुँचा रही है। और बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी नहीं मिलेगी। मेरे चैनल पर क्लास 6 और क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस पड़ा हुआ है, इसमें कंप्लीट MCQ, डिटेल वीडियो, टर्म 1, टर्म 2 सब हैं। इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, बहुत बातें हो गई, इसका आंसर बताइए। एंड इट्स आंसर इज़ यस, इट ओवर पावर अस, यानी यह हमारे ऊपर पावर करती है, यह हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग स्लीप वी टेक रेस्ट, डेट इज ड्यूरिंग स्लीप, यानी नींद के दौरान हम लोग आराम करते हैं, वो क्या है? अनकॉन्सियस, अवचेतन, कॉन्सियस, चेतन, नीडेड, आवश्यक, नॉट नीडेड, अनावश्यक। बताइए राइट आंसर बताइए। ये तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, बुक में दिया हुआ है, जिसने चैप्टर को लाइन वाइज लाइन पढ़ा है वो इसका आंसर बहुत इजीली दे देगा। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारने वालों से क्या होता है, कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। तो आप चैप्टर की पहले डिटेल वीडियो देखिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। एंड इट्स आंसर इज यस ऑप्शन ए, अनकॉन्सियस यानी अवचेतन मन। ठीक है, यानी क्या था, जब हम स्लीप कर रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो वह जो आराम की अवस्था है वो क्या कहलाती है, अनकॉन्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12,
द एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी स्लीप इज कॉल्ड, यानी जब हम सो रहे होते हैं तो वह गतिविधि क्या कहलाती है। स्लीपिंग माइंड, सोता हुआ दिमाग, ड्रीम, सपने, एक्टिव माइंड यानी क्रियाशील दिमाग, वंडर यानी आश्चर्य। बताइए बताइए इसका सही आंसर, बताइए कौन बताएगा सही आंसर इसका। जो सही आंसर देगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। यस एंड आंसर इज यस ड्रीम। जब हम सोते हैं जो हमारा दिमाग काम करता है वो क्या कहलाता है, ड्रीम कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन नेवर टर्न फ्रॉम ड्रीम्स, इट मीन्स वी कैन नेवर, यानी हम कभी भी ड्रीम्स को बाहर नहीं ला सकते, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता। अवॉइड बैड ड्रीम्स यानी बैड ड्रीम से दूर रहो, टर्न ऑन बैड ड्रीम, बैड ड्रीम को देखो, टर्न अवे फ्रॉम ड्रीम्स यानी ड्रीम से दूर रहो, टर्न अप आवर ड्रीम यानी ड्रीम को खोलो। थोड़ा भैया कन्फ्यूजिंग आंसर है लेकिन आपको देना पड़ेगा टर्न फ्रॉम का मतलब क्या है, एंड इट्स आंसर इज अवॉइड बैड ड्रीम्स। ठीक है, यानी बुरे सपनों से दूर रहना। 14 क्वेश्चन इज व्हेन डू वी ड्रीम, यानी हम सपने कब देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले, आफ्टर स्लीपिंग सोने के बाद, आफ्टर कॉन्शियस अवचेतन मन में, या फिर बोथ ए और बी। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, जो भी बच्चा इसको समझेगा। देखिए अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करना आता है, इंग्लिश से हिंदी करना आता है, तो आप इसको बहुत ही ईजीली कर लोगे। जिन बच्चों को इंग्लिश टू हिंदी ही नहीं आती वो इसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी मीनिंग लर्न करिए, वोकेबुलरी ठीक करिए और ग्रामर को ठीक करिए, उसके बाद इसकी हिंदी करना सीखिए, तो आप इसको बहुत ईजीली कर पाएंगे। एंड इट्स आंसर इज सपने हम कब देखते हैं, सोने के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सपीरियंस क्या है, क्या है अनुभव। स्लीप, सोना, ड्रीम, सपने देखना, वॉक, चलना, नन ऑफ दीज। बताइए बताइए, अच्छे से अच्छे बच्चे इसको जल्दी से लिखिए। इट्स आंसर इज बिना देर करे मैं बता रही हूँ, स्लीप यानी मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस क्या है, स्लीप। भाई ड्रीम तो तभी होंगे ना जब हम सपने देखेंगे, और वॉक, वॉक क्या कॉमन एक्सपीरियंस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन विल वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, हम कब दोबारा से एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं। ये आपके बुक के फर्स्ट लाइन का ही आंसर है, तो आपको बताना पड़ेगा। आफ्टर ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, आफ्टर ए गुड वॉकिंग, एक अच्छी वॉक के बाद, आफ्टर वर्किंग, काम के बाद, या नन ऑफ दोस, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप बच्चों आप इसका आंसर इजीली दे देंगे, और इट्स आंसर है आफ्टर ए गुड स्लीप। प्यारे बच्चों मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और आपको पता भी है हाफ रिली में से 60 में से 55 के समथिंग क्वेश्चंस मेरी वीडियो में से फंसे थे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इन वीडियो को इग्नोर ना करें, डिटेल वीडियो और एमसीक्यू की वीडियो ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनके मार्क्स भी अच्छे से आए। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, और सारा वर्क, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, डिफ़िकल्ट वर्ड मैं इसी वीडियो में डाल दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और अपना वर्क करें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Thank you.